सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। सोलहवें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन, कहा असीं संवाद अते कूटनीति के समर्थक, युद्ध दे नहीं। सुखबीर सिंह बादल नूं लैके गैनी रघुवीर सिंह दा वड्डा फैसला, सुखबीर बादल नूं नहीं मिली छोट। जथेदार ने कहा दिवाली तों बाद लिया जाएगा फैसला। विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किया कादियां अनाज मंडी का दौरा, झोने के खरीद प्रबंधों में किसानों आ रही समस्याओं नूं लैके घेरी पंजाब सरकार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई रूस दे कजान शहर विच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार सम्मेलन करवाउण लई रूस दे राष्ट्रपति पुतिन दी शलाघा कीती। उन्हां अगे कहा कि नवे रूप विच ब्रिक्स विश्व दी 40% मनुखता अते 30% आर्थिकता नूं दर्शाउंदा है। ब्रिक्स ने पिछले दो दहाकां विच बहुत सारियां प्राप्तियां कीतियां ने। इस मौके प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर ते रूस यूक्रेन विवाद नूं शांतिपूर्ण गल्लबात राहीं हल करन दा सद्दा दित्ता है। उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा है कि भारत जंग का नहीं सगों गलबात और कूटनीति का समर्थन करता है। मोदी ने अपने संबोधन में जंग, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, अत्तवाद वर्गी चुनौतियों से चिंता प्रकट की है कि ब्रिक्स दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इस तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के साथ मुलाकात की। पीएम ने कहा कि असं अपने देशों दरमियान संबंधों की पूरी श्रेणी की समीक्षा की है। भविष्य के खेतरों में संबंधों को डूंघा करने के तरीकों बारे भी चर्चा की गई। 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग दो दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सलेंसी दिलमा रुसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब गैनी रघुवीर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं चोणां विच छोट नहीं दित्ती। गैनी रघुवीर सिंह ने कहा कि कल अकाली दल के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगवाई में 7 मैंबरी वफद वल्लों उन्होंने मुलाकात करके सुखबीर बादल नूं 86 सरगर्मियों में छोट देने की अपील की गई सी, पर छोट नहीं दित्ती गई।
जथेदार ने कहा कि कोई भी तनखाइया सिख तनखाह पूरी करने तक तनखाइया ही रहा है। जथेदार ने कहा कि इस संबंधी दिवाली तो बाद साहबान की बैठक की जाएगी और इस बाबत अगला फैसला लिया जाएगा। देखो तनखाइए की एक परिभाषा होंगी है और उस चीज़ को परिभाषित करना जरा बड़ा हर एक सिख वास्ते बड़ा जरूरी होंगे कि जेकर सिख तनखाही है तो वो मुताबिक जोड़ा वो चले जब तक वो फसील तो सिंह साहबान तो तनखाह नहीं लवा लेंदा तनखाह पूरी नहीं कर लेंदा लगी हुई तनखाह उन्ना चर वो तनखाही रहिंदा है उन्ना चर बख्शिया नहीं जाता। श्रोमणी अकाली दल वालों एमरजेंसी मीटिंग सदी गई है। मीटिंग भल के 12 बजे पार्टी के हैड ऑफिस होगी। मीटिंग में पार्टी के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगुवाई में वर्किंग कमेटी के मैंबर जिला प्रधान शामिल होंगे। इस संबंधी जानकारी दिंदा श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने दसिया कि श्रोमणी अकाली दल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी जिला प्रधानों की एमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग भल के 24 अक्तूबर को पार्टी के मुख दफ्तर चंडीगढ़ विखे दोपहर 12 बजे होने जा रही है। मीटिंग में मौजूदा सियासी स्थिति उत्ते विस्तार दे नाल चर्चा की जाएगी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान मनजीत सिंह जी के अज सचखंड श्री दरबार साहब और श्री अकाल तख्त साहब से मत्था टेकन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के गलबात करदे कहा कि अज सवेरे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह वालों सुखबीर सिंह बादल से जो फैसला दिता गया कि जिनी देर तक उन्हों की तनखा नहीं लग जाती उन्नी देर तक वो चोणा नहीं लड़ सकते। इस बाबत उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों दिए गए फैसले से किसी भी व्यक्ति को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि इस बार फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ही बन गए। देखो कोई भी सिख अकाल तख्त साहब के फैसले से टिप्पणी नहीं कर सकता और अकाल तख्त साहब के सिंह साहबान जो ठीक समझ रहे हैं या उन्होंने नाल जो बाकी सिंह साहबान ने जो ठीक समझ रहे हैं वो फैसला कर रहे हैं। और कमाल की गल यह है कि सिंह साहब ने मैं समझदा बड़ा सख्त फैसला लिया। उन्होंने आख्या है कि भाई जब तक वो तनखाइया ने वो नहीं चोन या कोई ऐसी एक्टिविटी पार्ट नहीं लै सकते। लेकिन अज भी जेडे लोग सिर्फ नुक्स कटना जानते ने वो किंतु परंतु कर रहे हैं। वो आख रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैच हो रहा है अकाली दल दे विच ते सिंह साहबाना दे विच। मनु ये नहीं समझ आती कि तुसी केड़ी चीज़ नू ठीक और केड़ी चीज़ नू गलत कहना चाहते हो। तुसी हरेक चीज़ दे विच नुक्स लभदे हो। मैं समझदा कि इस वेले मसला सिंह साहबान दे संज्ञान च अकाल तख्त साहब दे संज्ञान दे विच है और उहदे उत्ते टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होएगी। हाँ अकाली दल वास्ते ये बहुत वड्डा संकट की घड़ी मैं समझदा वा क्योंकि इस प्रक्रिया दे विच जे की फैसला लैंदी है कोर कमेटी ये देखना पएगा। और इन हालातों के विच क्योंकि जदों तुसी ये समझो कि तुहाडी लीडरशिप जिहड़ी है वो इस वेले उस दे उत्ते बंदिशां होण या तुहाडी जिद्दां फायर पावर हुंदी है तुहाडे कोल हथियार चलाण जोगे तुहाडे अपने ना हुण मैं पोलिटिकल हथियारां दी गल कर रहा वा उस वेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सो की फैसला लएगा ये तो अकाली दल दी कोर कमेटी फैसला। मैं इहदा स्वागत करदा वा जिहड़ा कोरीडोर खोलिया गया मैं अगले 5 साल वास्ते मैं इहदा स्वागत करदा। सिख जिहड़े ने सवेरे शाम अरदास करदे ने मैं समझदा वा कि भारत सरकार नूं चाहीदा कि पाकिस्तान दे नाल जिहड़ा इह बॉर्डर है साडा इत्थों लाहौर किन्नी दूर है साडा ट्रेड वधे पंजाब दे लोकां नूं असीं हमेशा आखदे हां कि पंजाब नाल मतरेई माँ दा सलूक कीता गया। तुसीं नाल दीआं स्टेटां नूं स्पैशल स्टेटस दे दिंदे हो इंडस्ट्री वास्ते टैक्स माफ़ी दे दिंदे हो पंजाब दा गल क्यों घुटदे हो। अज इत्थों दी लाहौर असीं नहीं भेज सकदे समान नूं या लाहौर तों इत्थे नहीं आ सकदा लेकिन इत्थों गुजरात जा के शिप हो सकदा कराची नूं। मैं समझदा इह पंजाब दे नाल धक्का है। मैं समझदा वा कि एस जी पी सी दे विच अकाली दल दी उम्मीदवार जेड़े भी होणगे धामी साहब नूं ऐलानिया गया धामी साहब जितणगे और चंगी मजोरिटी नाल जितणगे। संगरूर दे विच साबका कैबिनेट मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदिआं श्रोमणी अकाली दल बादल उत्ते शब्द वार कीते। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल दे हत्थों श्रोमणी कमेटी का प्रबंध जा रहा है जिस नूं लैके अकाली दल दे आगू श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर दे आगूआं दे खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे ने। उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बचाउण लई चोण लड़ रहे ने जदकि दूजी धिर पंथक शख्सियतां अते पंथक धिरां दा कोई ख्याल नहीं रखदे।
कल अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, वेद उन्होंने जी घबराहट है वो साफ दिख रही थी। उन्होंने आपकी हार एस टी पी सी चोणों साफ दिख रही है, तो वो हार देखते हुए उन्होंने साढ़े तो उही पुराने इल्जाम जोड़े उन्होंने आदत बन चुकी है भी जोड़ा भी उन्होंने नाल है वह तो पंथक है, तो जोड़ा उन्होंने विरोधी है वह जी आम आदमी पार्टी बीजेपी आर एस एस का एजेंट हो जाता है। तो कल उन्होंने कहा भी यह आर एस एस बीजेपी तो आम आदमी इन्हों सपोर्ट कर रही है। मैनू इस गल का कोई गिला नहीं उन्होंने, क्योंकि जेडे लोगों ने सिंह सवाब न बीजेपी तो आर एस एस का एजेंट कह सकते हैं, असी तो बड़ी छोटी चीज़ है उन्होंने वास्ते, सानू तो उन्होंने कहना वाजब ही है। वो तो इन्नी छोटी सोच उन्होंने होगी, वह तो सिंह साहबान नहीं उन्होंने बख्शिया, सानू उन्होंने की बख्शना है। तो दुख की गल यह है भी अकाल तख्त साहब तो खड़े होके कल चीमा साहब ये दोष ला रहे थी, मैं उन्होंने पूछना चाहता कह तो रहे ने उन्होंने कोई दस दिन किहड़े बंदे नूं आखिर जिहड़े उन्हां दे कहण मुताब मजोरिटी बंदे तो आपदे मनदे ने, किनू किसे बीजेपी का आम आदमी पार्टी आर एस एस के किहड़े आगू का किनू फोन किया है साढ़े वास्ते भी अकाली दल सुधार लहर का समर्थन करो, यह प्रूफ देन कल्लियां गल्लां नाल नहीं सरना, इन्हां नूं ना अकाल तख्त साहब नाल ना सिख मर्यादावां नाल ना सिख संस्थावां नाल किसे नाल कोई लेना देना नहीं, इन्हों सिर्फ सुखबीर सिंह बादल दिखता है, तो वो अगे इन्होंने अपने गोडे टोकते टेकते ये साफ जोड़ा है इन्हों की बुखलाहट चो जोड़ा साफ दिख रहा है। देखो ये चोण कोई कली बीबी जगीर कौर या इन्हों उम्मीदवार के नहीं है, एक पासे तो वह लोग ने जिन्हों जे तनखाही करार दते आगू के नाल लगे हुए ने जिन्हां ने सिख संस्थावां का घाण किया है, दूजे पासे वो लोग ने जिहड़े पंथक मर्यादावां नूं पंथक संस्थावां नूं बचाउणा चाहुंदे आ। ये लड़ाई ये दो तरह के विच है, फैसला एस जी पी सी मैंबरां ने करना है कि की चाहुंदे ने किवें जिहड़ा है उहनां दा की एजेंडा है, साडा एजेंडा की है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह वल्लों विरसा सिंह वलटोहा श्रोमणी अकाली दल विचों 10 साल लई बाहर कढ़न दा हुक्म जारी करन तो बाद भी पार्टी वल्लों हुण तक विरसा सिंह वलटोहा पार्टी विचों बाहर कढ़न दा ऐलान नहीं किया गया। इस संबंधी हरमीत सिंह कालका वल्लों श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह नूं अपील की गई है कि वह तुरंत अकाली दल के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह पुंदड़ अते अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबरों उत्ते कार्रवाई करन। सिख पंथ की सरमोर संस्था और हर सिख नूं हुक्म है कि इहदे वल्लों जारी किए गए हर हुक्म का पालन करे और अपने जीवन दे विच कोई ऐसी हरकत ना करे जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा तो उलट जाती होए। पिछले 15 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने एक अहम फैसला देंदे हुए पंथ की सिरमौर जथेबंदी कहलाण वाली श्रोमणी अकाली दल के वर्किंग प्रधान साहब नूं उहदी कोर कमेटी नूं एक हिदायत दित्ती सी कि विरसा सिंह वलटोए नूं जिहड़ा 10 साल लई पार्टी तो कढ़िया जाए और किसी राजनीति गतिविधि दे विच उहदी शमूलियत नहीं पाई जा सकती। मगर अज तकरीबन अज 10 दिन हो गए जिहदे विच श्री अकाल तख्त साहब वल्लों दिते गए हुए हुक्म दे श्री श्रोमणी अकाली दल ने कोई अहम उहदा फैसला नहीं लिया और ये गल कह के कि विरसा सिंह वलटोए ने उहदा अस्तीफा देता है अपना पला झाड़ रहा है। कल अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग भी हो गई जिहदे विच ये चर्चा तक नहीं की गई कि विरसा सिंह वलटोए नूं कढ़ना है कि नहीं कढ़ना। मैं ये जरूर कहना चाहवांगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष होवे, कोई भी संस्था होवे, कोई भी राजनीतिक पार्टी होए, मगर श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म तो बाहर नहीं है, उस तो उपर नहीं है, और अगर कोई यह समझदा तो वो बड़ी वड्डी भुलेखा है। सो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान बाकी सिंह साहबान के चरणों में बेनती करांगे कि इमीजिएटली ये जिहड़े कोर कमेटी के मैंबर ने श्रोमणी अकाली दल के जिन्हों हिदायत दी सी
और जिहड़ा वर्किंग प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल दा इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए कि अज 8-9 दिन बीतन के बावजूद भी विरसा सिंह बलटोई के उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, किहड़ा ऐसा दबाव किहड़ा ऐसा प्रभाव है जिहड़े जिहदे करके इनू पार्टी तो क्यों नहीं निलंबित किया जा रहा। सो मैं जिथे सिंह साहब के चरणों भी बेनती करांगा, समूची संगत नूं भी कहांगा कि जिहड़ी पार्टी जिहदा जन्म अकाल तख्त साहब दे विच होया होए, सिरमौर जथेबंदी सिखां दी होए, और वह अगर अकाल तख्त साहब दे अज हुक्म नहीं मन रही तो मैं समझदा कि इस पार्टी का की हाशर पहले ही फर्श तक आ चुका है, अगे की होएगा ये तुसी सारे जानू हो। सो मैं बेनती करांगा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं कि फौरन इन्हां लोगों नूं बुलाया जाए। मेरी यह बेनती है, मैं आप जी के चरणों में बेनती कर रहा, संगत की बहुत वड्डी ये आवाज़ है कि इस अकाल तख्त साहब के इस मान मर्यादा नूं आपां बहाल रखना है, इनू अगे तोरना है, तो फौरन इहो जिहे लोगों नूं बुला के इन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए। पंजाब विच चार विधानसभा सीटां उत्ते होण वालियां जिमनी चोणां लई पंजाब कांग्रेस ने उम्मीदवारां दी लिस्ट जारी कर दित्ती। इस लिस्ट मुताबिक कांग्रेस ने गिदड़बाह तों पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा बड़िंग की पत्नी अमृता बड़िंग नूं उम्मीदवार ऐलान दिता है। इस तों इलावा पार्टी ने डेरा बाबा नानक तों संसद मैंबर सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतेंद्र कौर, चब्बेवाल तों रणजीत कुमार अते बरनाला तों कुलदीप सिंह ढिल्लों नूं टिकट दे के चोण मैदान विच उतारे, जिथे 2022 दीआं विधानसभा चोणां ते 2024 दीआं लोकसभा चोणां विच रंधावा परिवार ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के हक में प्रचार किया सी। उत्थे ही हुण सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी पत्नी जतेंद्र कौर रंधावा के हक में चोण प्रचार करते नजर आउणगे। जतेंद्र कौर नूं टिकट मिलने तों बाद रंधावा परिवार पहली बार मीडिया सामने आया ते उसदी वड्डी लीड दे नाल जित होण दा दावा कीता है। हाई कमांड दा मैं धन्नवाद करदा हां, राहुल जी दा, खड़गे जी दा, जिन्हां ने डिसीजन करके टिकट भेजी है। खास करके मैं अपने इलाके दे लोकां दा धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने हमेशा ही मेरे परिवार नूं रंधावा साहब तों लैके हुण तक सानूं मान ते सत्कार दित्ता, ते साडे वर्करां नूं अहीं मान ते सत्कार पूरा दित्ता। ये दोनों पास एक करके दोनों का जो आपस में प्रेम हों तो कभी हार नहीं होती, मतलब जित। गुजरात के सबका मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बरनला के एक निजी होटल में बरनला जिमनी चोण लई बीजेपी के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों के हक में चोण प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस तो पहला उन्होंने वालों भाजपा के वर्करों नाल एक विशेष बैठक की गई। इस मौके पत्रकारों के गलबात करदिया सबका मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि भाजपा ने हुण तक 3 उम्मीदवार ऐलाने ने, जबकि चौथे उम्मीदवार का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। उन्हां पंजाब सरकार नूं कई मुद्दे ते घेरिया। कल ही चार विधानसभा की जो बाई इलेक्शन पंजाब में है उसमें से 3 कैंडिडेट हमने घोषित कर दिए और 1 कैंडिडेट हम आजकल में ही घोषित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से हमने लिया है, और इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी पंजाब में फेल्योर है, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं, और जो उन्होंने वादे किए थे और जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको बहुत भारी मात्रा में सीटें दी, तो पूरा उनके साथ धोखा हुआ है जनता के साथ, ऐसा महसूस भी कर रहे हैं। और लोग मानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने बड़ी धोखाबाजी की है। कादियां तो विधायक अते विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कादियां दी अनाज मंडी का दौरा किया। इस मौके उन्हां मंडी विच झोना लेके पहुंचे, किसानों दी मुश्किलां सुनिया। उन्हें कहा कि किसान घट रेट उत्ते झोना वेचण नूं मजबूर ने। इस मौके प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार का वड्डा फेलियर है। पहले दिन अज कादियां मंडी अपने हल्के च आया, जो पंजाब च लुट हो रही सेम ही है। कोई अफसर इस गल नूं मन के राजी नहीं। हुणे मैं चीफ सैकटरी साहब के नाल मिस्टर सिन्हा नाल अपने आढ़तियों की भी गल कराई है, किसानों ने भी की है। बेसिकली 2320 की जगह हुण सारे नालों पहले जिहड़ा इत्थे प्रॉब्लम आ रही है, जिहड़ा मार्केट कमेटी के मशीन पई है जिहड़ा मॉइस्चर चैक कर, किसान कहिंदे ने कि वह मशीन ठीक है जी, जिहड़े आढ़ती लिया के मशीन लाते हैं, जे साडा झोना कोई 16% या 17% मॉइस्चर का जिहड़ा सीधा शैलर वाला आंदा उहदा ते मशीन जिहड़ी मार्केट कमेटी की मशीन च घट्ट तों घट 6-7% का फर्क कि 2000 रुपया 320 रुपये घट देंदे तो चुक लैंदे, नहीं तो पई रहिंदे।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਛੇਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਛੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ DAP ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 50% ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ 50% ਅਜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ DAP ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰ DAP ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਪਿਆ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 13 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ DAP ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟਾਲੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PC ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਹਿੰਦ ਅਮਲੋ ਖਮਾਣੋ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਸ ਅਤੇ ਮਿਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਧਾਨ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ SSP ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 132 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਪੈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
और उसकी परचेज रेगुलर हो रही है। पूरे संगरूर की सारे मार्केट कमेटियां जिहड़ियां उन्होंने ग्रेड वन पैडी जी है उसकी सरकार वालों जी परचेज है और मिनीमम सपोर्ट प्राइस 2320 रुपये साडा मिनीमम सपोर्ट प्राइस आ वो जारी है। अज मैं तो SSP साहब दोवें असी मंडियां च इस करके निकले हैं अज इहो देखण लई कितें फार्मर की डिस्ट्रेस सेल तो नहीं हो रही क्योंकि साडे जिले में वैसे इहो जी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई। पिछला रिकॉर्ड भी चैक किया माझे दे विच और कुछ दुआबे दे एरिया दे विच डिस्ट्रेस सेल दीआं शिकायतां आउंदीआं कि जिहड़ा रेट थोड़ा घट लगाया गया पर साडे इत्थे जिहड़ा जिहड़ी गवर्नमेंट परचेज करदी है पैड़ी उहदी रेट दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो MSP हुंदा उसे ते परचेज हुंदी है। शैलर मालक जिहड़े साडे वह भी साढ़े नाल बहुत सारे शैलर मार्क जिहड़े ने जुड़ चुके ने साडे नाल एग्रीमेंट भी हो गए ने और हर मंडी इस वेले अज जिवें कहांगे संगरूर दे विच शुरू दे विच भवानीगढ़ दे विच परचेज दे विच थोड़ी प्रॉब्लम आई सी साडी पर उत्थे भी शैलर जिहड़े असीं संगरूर वाले शैलर जिहड़े ने उह असीं नाल जुड़े ने। अज भवानीगढ़ तों लिफ्टिंग चल रही है, सुनाम तों लिफ्टिंग चालू हो गई है, दिड़बा, लहरा, मूणक, खनौरी, धूरी इन सारी मंडियां दे विचों जिहड़ा है लिफ्टिंग अज चालू हो गई है और मैनूं आस है कि आने वाले दिनों में जिहड़े शैलर मालक जिहड़े होर जिहड़े नहीं रजिस्टर करा सके क्योंकि गवर्नमेंट ने शैलर मालकां लई पोर्टल दुबारा खोलता है और बहुत सारिया जिहड़ियां जिन्हों कहांगे कि रिलैक्सेशन जिहड़ियां ने पंजाब सरकार वालों मानजोग साडे मुख्यमंत्री साहब वालों रिलैक्सेशन अनाउंस कीतियां ने उन्हां अनाउंसमेंट्स के करके शैलर मालकां दे मन दे विच वी जिहड़ा कॉन्फिडेंस जिहड़ा है वह वधिया है और वह साडे कोल रजिस्टर कर रहे हैं और अज दी डेट दे विच मेरे कोल संगरूर जिले विच तकरीबन 250 शैलर मालक जिहड़े ने वह साडे कोल रजिस्टर हो चुके हैं जिन्हों में 225 के लगभग अलॉटमेंट कल शाम तक हो चुकी सी और अज दी डेट दे विच मेरे कोल 90 शैलर जिहड़े ने जिन्हां दे विच साडा माल जिहड़ा है वह जाना शुरू हो गया। हर सेंटर जिहड़ा उहनूं लिंक कर दिता होया और इस करके अज असीं दोवें यह भी राउंड लै रहे हैं कि जिहड़े साडे शैलरां दे विच समान जा रहा मल जिहड़ा इत्थों पैड़ी जा रही है उन्हां विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। 130 FIRs हो चुकियां ने ते जदों भी कोई इंसीडेंट साढ़े नोटिस आता है उसते हो रहा DC साहब सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नाल मिल के सारे इंसीडेंट्स नू वेरीफाई कर रहा जो वेरीफिकेशन के तहत कितने अग नहीं पाई जाऊगी तो वो वाली कार उसते कोई भी बनती कार्रवाई नहीं होगी। तो दूसरा असं यह भी कहेंगे कि DC साहब ने जिम्मे दसिया कि असं 25 पिंड खुद गए थे असी होर भी जॉइंट टूरिंग बड़ी की है उस नाल बड़ा प्रभाव पे पिछले सालों तो सू इस बार लोगों के विच भी तो उन्होंने नज़रिए भी तब्दीली दिसी है वो ज़्यादा बेलरस के कोल जा रहे हैं ज़्यादा सुपर SMS तो होर मशीनरी का यूज़ करके जिहड़ी बिजाई है उस तो ते कटाई है उसका सहजा वो बैलेंस बना रहे हैं कि ज़्यादा उन्होंने पराली साड़न वाले पास जाना ही ना पवे। श्री करतारपुर साहब कोरीडोर लैके भारत और पाकिस्तान विचाले पुराने समझौते फिर तो 5 साल के लिए लागू करने से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने दसा कि भारत और पाकिस्तान विचाले राजदूत चैनलों राही यह सहमति बनी है। इस तो पहला 24 अक्तूबर 2019 दोवें देशों विचाले 5 साल लिए यह समझौता होया से। सबका संसद मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शलाघाजोग कार्य है। इस मौके उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह कतल के मामले में नामजद करने के मामले की उच्च पद्धरी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इंज लगता है कि उन्होंने लंबा समा जेल विच डकण दी साजिश रची जा रही है। करतारपुर साहब लांघे दे 5 साल होर म्याद वधाउण लई मैं जिथे भारत सरकार ते पाकिस्तान दोवें देशां दीआं सरकारां दा धन्नवाद करना उत्थे नानक नाम लिया संगत नूं समुचे जो संगत दर्शनां लई जांदी आ उहनूं वधाई भी दिंदा और खुशी भी महसूस करदा कि जो असीं लंबे समें तों आजादी समें तों देश दे बटवारे दे समें तों अरदासां करदे रहे उहनूं फड़ लग्गिया सी जदों इह करतारपुर साहब लांघा खुल्लिया ते हुण उहदी म्याद होर अग्गे 5 साल वधाउण दा जो फैसला कीता दोवें देशां दीआं सरकारां ने इह खुशी दी गल आ माण वाली गल आ और दोवें सरकारां दा मैं जिथे धन्नवाद करदा उत्थे संगत नूं। इक गल हजम नहीं हो रही किसे दे कि अमृतपाल सिंह जो NSA अधीन आ और बड़े दूरी ते बैठा NSA ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ NSA ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ NSA ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ
18 लाख लोगों दी भावनावां दा वर्डिक्ट दा कतल हो रहा सी। सो इस करके ये एक लम्मा समा उन्होंने जेब विच रखण दी साजिश तां नहीं हो सकती, ये हर एक मुद्दे ते सामने सवाल खड़ा नज़र आ रहा। तो इसे करके जे सीटिंग हाई कोर्ट दे जज दी जिहड़ी इनकुआरी आ वो सच लभ सकेगी, सच्चाई सामने आ सकेगी और जेड़ा भी इस केस पिछे लुकया सच आ वो सामने आ सकेगा। ब्यास नेड़ले पिंड सठियाला विच एक आड़ती दा शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया। मृतक की पहचान गुरदीप सिंह वजो हुई है जो कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़े हुए सी अते सठियाला पिंड दा सबका सरपंच सी। वारदात तो बाद इलाके विच दहशत दा माहौल है। वारदात उस समय वापरी जदों गुरदीप सिंह सीजन होने कारण सठियाला दी मंडी विच अपनी आड़त दी दुकान ते बैठा होया सी। इस दौरान अचानक तीन नौजवान आए ते आउंदे सार ही गुरदीप सिंह उत्ते अन्नेवाह गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। तीन गोलियां लगने कारण गुरदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात तो बाद शूटर तेजी नाल फरार हो गए। कतल की सूचना मिलने तो बाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की है। अज इतने सठियाला दाणा मंडी के जोड़ा है एक तो डेढ़ बजे जोड़े हैगी गुरदीप सिंह सरनाम सरबजीत सिंह वासी सठियाला सबका सरपंच और इन्होंने दो अननोन मोने बंदे मोटरसाइकिल पर आए तो इन्हों गोलियां मार के जोड़े आ चले गए और इन्हों जो इतों हॉस्पिटल लिया गया तो इन्हों की डैथ हो चुकी है। तो मौके पर पहुंचे हैं साढ़े सीनियर अफसर समान SSP साहब भी मौका देख के गए हैं और फोरेंसिक टीम भी साड़ी मौके पर हैगी। मौके पर जी जो सही चैक किया है तो 5 to 6 राउंड जोड़े आ फायर होए है तो उन्होंने फिर डैथ हो चुकी हैगी गुरदीप सिंह होना की। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं ठीक नहीं गा और मंडी तुम देखा ओपन हैगी तो ये किन्ने राह है किधरों आए सारे असं चैक कर रहे हैं। अपनी वक्त वक्त टीम जीडिया साढ़िया CIA दियाँ वो लागू है साढ़े अफसर भी जोड़े है वो लागे है और असं ये तुम विश्वास दवाने भी जल्द तो जल्द असं यह मुकदमा ट्रेस कर लाँगे। CCTV तुम जिदा देख रहे हो मंडी के कोई CCTV कैमरा है नहीं गा पर असी जितों आले दुआले जितों भी जिन्हें भी राह है इस मंडी में आते हैं वो असी सारे चैक कर रहे चैक करने तो बाद जी भी कोई चीज सामने आऊगी साझी करती जाए। लोग सभा स्पीकर ओम बिरला ने अज संसद भवन कंपलैक्स में प्रेरणा स्थल विखे कितू राणी चेन्नम्मा की मूर्ति से फुल मालावां भेट कीतियां। इस मौके केंद्रीय खपतकार खुराक जनतक वंड नवीं ते नवियाउणयोग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जल शक्ति ते रेल राज मंत्री वी सुमन्ना ते होर पतवंतियां ने भी राणी चेन्नम्मा नूं श्रद्धांजलि भेट की। राणी चेन्नम्मा ने 19वीं सदी के आरंभ में एक अजिहे समय में ब्रिटिश फौजां विरुद्ध लड़ाई की अगवाई की जदों ज्यादातर शासकों नूं अंग्रेजां दे भैड़े इरादियां बारे पता नहीं सी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध हथियारबंद बगावत की अगवाई करने वाली पहली भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानियों विचों सी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाने दे नज़र मारदे हां मौसम के हाल से तुसीं बने रहो चढ़दे कला टाइम टीवी दे नाल। धन्यवाद। For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile or scan QR code to contact us. Flankbird Truck Repair, trust we build in truck repair or scan QR code to contact us. The Masala Twist Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us.
ਅੱਪਾ ਕੜਾਹੀ ਮੇਡ ਐਂਡ ਸਰਵਡ ਵਿਦ ਲਵ ਸਕੈਨ ਦਿਸ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਏਜੰਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਯੂਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਲ ਐਟ 1877-830-3270 ਔਰ ਸਕੈਨ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਟੂ ਕਾਲ ਔਰ ਟੈਕਸਟ